तो कल की वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने $5 कमाए और मैंने एक वीडियो उस बंदे को भेजा, लेकिन उस बंदे का एक वीडियो में पेट ही नहीं भरा। वो कह रहा था मुझे और चाहिए भैया। दूसरा वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं था। उसने अब क्या किया कि पहले खुद अपनी तरफ से फ़ोटो भेजा और ख़ुद एक बड़ा सा गाना भेजा। अब चूँकि वो सारा गाना इंग्लिश में था तो भाई हम तो ठहरे हिंदी में, सारा गाना हमारे सर के ऊपर से जा रहा था। तो भाई मैंने उससे कहा कि सर यू कैन टेल द वर्ड यूज्ड इन द सॉन्ग। तो फिर उसके बाद में मैंने उसे एक लिंक मांगा, भाई जो गाना आप बता रहे हो उस गाने का कम से कम लिंक तो दे दो। तो फिर उसके बाद में उसने रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है अभी रुको, कुछ समय बाद मैं भेजता हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पर वो गाना जो था, गाने का जो वर्ड है वो उसने सेंड कर दिया। अब भाई मैं जब इतना ज़्यादा इतना बड़ा गाना देखा तो सोच में पड़ गया। अब चूँकि गाना बहुत बड़ा था तो मैंने पैसे भी उससे बड़े ही मांगे। तो उसने पूछा हाउ मच इट विल कॉस्ट। तो मैंने भाई रिप्लाई दे दिया $8, $8 आपके लगेंगे, फाइन बाई मी। फिर उसने उसके बाद में रिप्लाई दिया, कहा भाई ठीक है $8 ले लो, लेकिन हमारा वीडियो, हमारा काम करके हमको वीडियो बनाकर एक दे दो। अब चूँकि गाना इतना बड़ा था तो मुझे सुबह से लेकर शाम तक लग गए लिप को गाने से मैच कराने में। फिर भी मैंने जब रात को उसे डिलीवर किया तो उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। भाई कहा कि हम तुम्हारा जो वीडियो है वो मैच नहीं कर रहा है गाने के साथ में, इसलिए हम तुम्हारा वीडियो रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने उससे कहा सॉरी सर, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसे फिर से बना कर दिया तो उसने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर है भाई $8 कम्प्लीटेड दिखा दिया। उसके बाद में मैंने ओवरऑल रेटिंग दे दिया, ये मेरा रिव्यू है, 5 रेटिंग बंदे को दे दिया। भाई पैसे दे रहे हैं तो रेटिंग तो देनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पर बायर ने भी रिव्यू दिया है, अच्छा खासा रिव्यू दिया है। तो एक वीडियो के अब की बार $8 मिले हैं, तो $8 को आप कैलकुलेट करना, आई थिंक 600 रुपये बनेंगे, लेकिन पूरे 600 मिलेंगे नहीं।